तक का कैसा रहा है, क्या विकास के काम हुए हैं जिसमें कि उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था, वो काम हो पाए हैं कि नहीं हो पाए हैं? देखिए, अगर अपन स्थानीय विधायक की बात करें तो विकास तो पूरे राजस्थान के अंदर हमारे विधायक चुन के आए हैं, उनके सभी के गवर्नमेंट राजस्थान सरकार में कांग्रेस की सरकार है तो उन्होंने सभी के काम करवाए हैं। लेकिन उसके अलावा भी कार्यकर्ताओं की जो भावना है उनके अनुरूप हमारे जो वर्तमान में विधायक है प्रशांत जी बेरवा, वो खड़े नहीं उतर पाए हैं। अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। इनके नेतृत्व में ना तो पंचायत समिति का बोर्ड कांग्रेस का बैठ पाया, ना ही नगरपालिका का चेयरमैन कांग्रेस का बन पाया, और ना ही क्या नाम से कोई भी ऐसे सदस्यों की नियुक्ति हुई जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर सके। तो इस वजह से भारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी इनके प्रति आक्रोश है। और क्या क्या आपको लगता है कि जो विधायक के तरह उनको विधायक रहते हुए जो काम उनको करने चाहिए थे, जनता से जो जुड़ाव उनका होना चाहिए था, क्या वो है उनका? जी, आपने जो प्रश्न पूछा बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। उनका कार्यकर्ताओं के प्रति और जनता के प्रति कोई जुड़ाव नहीं है। अगर कोई भी छोटा कार्यकर्ता, मान लीजिए किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी जरूरत पड़ सकती है एक स्थानीय विधायक की, कोई भी उसकी समस्या अगर कार्यकर्ता फोन करता है तो माननीय विधायक गण फोन नहीं उठाते। विधायक साहब तो कहाँ से फोन उठाएंगे, उनके पीओ साहब तक फोन नहीं उठाते। सबसे बड़ी समस्या तो 5 साल के अंदर 4.5 साल के अंदर ये रही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कि स्थानीय विधायक ने कभी किसी कार्यकर्ता का फोन नहीं उठाया। कभी भी कोई भी समस्या आई तो उन्होंने फोन को स्विच ऑफ भी रखा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, और भी जो लोग हैं वो मौजूद हैं, आइए उनके पास भी चलते हैं, उनसे बात करते हैं। ये निवाई के बाजार में एक दुकान है, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इन्हीं से बात करेंगे। सर, मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा, जो मौजूदा विधायक हैं उनके काम से आप कितना खुश हैं? जो काम होने चाहिए थे विधायक के पद पे रहते हुए उनको करने चाहिए थे, क्या उन्होंने किए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किए, और ना पब्लिक से जुड़ाव रहा। हम तो यही भूल गए कि 5 साल में कोई निवाई में विधायक भी है या नहीं। कोई ऐसा लगता है जैसे पद ही रिक्त चल रहा है, ना कभी उनको देखते हैं, और कभी कभार देखते हैं तो आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां रहती है और शीशे बंद करके निकल जाते हैं। कभी किसी से कोई नहीं, दुआ सलाम नहीं, किसी से राम श्याम नहीं, किसी से मिलना जुलना नहीं पब्लिक में। आज तक 5 साल में कभी उनका कोई जुड़ाव नहीं रहा, और विकास के नाम पर भी बिल्कुल नजर आ। देखिए, जो निवई की जनता है वो उनका कहना है कि जो मौजूदा विधायक हैं उनसे काफ़ी उम्मीदें उन्होंने लगाई थी। जब वो विधायक चुन के आए थे तो काफ़ी उम्मीदें उनसे युवा वर्ग को भी थी, हर वर्ग के लोगों ने उनसे काफ़ी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन वो सब लोगों की उम्मीदों पे जरा भी खरा नहीं उतर पाए। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से जानते हैं राय। निवाई विधानसभा सीट में नेताजी का क्या एग्जिट पोल है, ये जानने के लिए जी मीडिया की टीम आज निवाई की गली गली में घूम रही है। जिस तरह से हमने पहले चाय की थड़ी पे बैठे लोगों से बातचीत की, मिठाई की दुकान पे बैठे लोगों से बातचीत की, काफ़ी आम जन से हमने बातचीत की, और अब आप देख सकते हैं निवाई के बाजार में एक पान की दुकान है, यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद है, आइए से बात करेंगे। सर, मौजूदा विधायक के कामकाज के बारे में अगर बात करें तो क्या क्या काम हुए हैं, और जनता से जुड़े हुए क्या क्या काम उनके द्वारा किए गए हैं, आप कितना संतुष्ट हैं, मैं जानना चाहूँगा। देखिए, जनता का विकास तो राजस्थान सरकार खूब करवा रही है, सभी जगह पर अच्छा विकास हुआ है। आम जन की सभी योजनाएं, मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक की पूरा इंतजाम राजस्थान सरकार ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन मौजूदा विधायक यहाँ के जो हैं वो कुछ अलग ही कैटेगरी के हैं, वो हाईफाई लोग हैं, सेल्फी मास्टर हैं, अपने स्वयं के स्वार्थ और स्वयं की जेब भरने में विश्वास रखते हैं। चारों ओर भयंकर भ्रष्टाचार मचा हुआ है, अधिकारी कर्मचारी कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं है। आम जनता की तो आप छोड़िए, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी बहुत ज़्यादा नाराज है। और चाहे आप कृषि मंडी की दुकानें ले लो, चाहे आप बजरी का काम ले लो, बजरी माफिया भी उन्होंने खूब पनपाए हैं, खूब खुद ने भी बजरी का काम किया है, उनके भी डंपर चलते हैं। तो विधायक मोदी ने खुद की जेब भरने का काम किया है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया जनता के लिए। बाकी तो गवर्नमेंट जो राजस्थान सरकार है वो आमजन का पूरा ध्यान रख रही है। उन सरकार की योजनाओं का श्रेय अगर विधायक जी लेते हैं तो मेरी नज़र में ये गलत है। उनको खुद को ही ये करना चाहिए था, खुद की तरफ से कुछ योगदान देना चाहिए था। विधायक जी ने, मतलब विधायक बनने के बाद में
जमीनें खरीदी होगी, जमीन बेच करके किसी की सेवा नहीं करी उन्होंने, अपनी जेब से कोई सेवा नहीं करी उन्होंने। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, जो मौजूदा विधायक हैं उनके कार्यकाल को लेकर किस तरह का उनका अभी तक का कार्यकाल रहा है, कि जनता से जुड़े हुए जो काम उनको करने चाहिए थे वो काम उन्होंने किए। मैं विकास के नाम पे तो निवाई शहर में तो बिल्कुल शून्य है, और निवाई नगर पालिका जो विकास करा रही है वही विकास हो रहे हैं। उसके अलावा प्रशांत जो हमारे बाबू हैं MLA महोदय, उनकी तरफ से निवाई शहर में कोई विकास कार्य नहीं है। एक तरह से अगर उनको कोई ये कहें भाई ये वो यहाँ पे कोई पट्टी लगी हो उसके विकास कार्य की, तो बता देगा हमने ये विकास कार्य नगर पालिका ने यहाँ पे विकास कराया है। दूसरा, मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए एक ही बात कहूँगा, अगर कांग्रेस पार्टी को सीट निकालनी है यहाँ से, तो केवल एक शख्स है जो सीट निकाल सकता है, वो है पूर्व MLA कमलजी बेरवा। 100 बातों की एक बात। आपसे भी जानना चाहूँगा, जो मौजूदा विधायक हैं उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं, और जनता से जुड़े हुए काम उन्होंने किए क्या? सर, ऐसी बात है कि अगर आपको कांग्रेस को ये सीट निकालनी है तो कमल लोधी को टिकट दिया जाए। मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ, पैदा हूँ तब से। द्वारका जी के लिए भी मैंने 80 में लोकसभा तक के लिए चुनाव प्रचार में मैं लगा हूँ। मजदूर होते हुए कांग्रेस का सिपाही हूँ, रिकॉर्ड है मेरा। बाकी दिल दुखता ही है, हमारे MLA साहब हैं द्वारका जी के लड़के जो वर्तमान MLA हैं, चंद आदमियों के बीच में घिरे हुए हैं। जनता सब परेशान है,